हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एमआई टेक्निकल के यूट्यूब चैनल में। आज हम जानेंगे फ्रिज के अंदर बल्ब से संबंधित सभी समस्याओं का समाधान। जैसे कि अगर फ्रिज का दरवाजा खोल रहे हैं और फ्रिज के अंदर बल्ब नहीं जल रहा है, या फिर फ्रिज का बल्ब फ्यूज हो गया है, या फिर बल्ब को चेंज करना है, या फिर ये हमारी जो डोर स्विच है वो काम नहीं कर रही है, तो फ्रिज का जो बल्ब है इससे संबंधित सभी समस्याओं का समाधान आज हम यहाँ पर समझेंगे और सीखेंगे और उसको कैसे सही कर सकते हैं। अगर ये डोर स्विच हमें चेंज करनी है तो हम कैसे कर सकते हैं, या फिर ये बल्ब हमें चेंज करना है तो कैसे कर सकते हैं, इसका कनेक्शन किस प्रकार से होता है, यानी बल्ब से संबंधित सभी समस्याओं का समाधान यहां पर हम जानेंगे। तो चलिए शुरू करें। सबसे पहले बात करें, देखिए फ्रिज के अंदर जो बल्ब लगता है उस बल्ब को ऑन ऑफ यानी बंद और चालू करने के लिए उसके अंदर एक स्विच प्रयोग किया जाता है, जिस स्विच का नाम होता है डोर स्विच। ये डोर स्विच होती है और ये स्विच ऐसी होती है कि जब इसको प्रेस किया जाता है, जब इसको दबाया जाता है ना, ये स्विच ऑफ के पोजीशन पे होती है और जैसे ही इसको छोड़ दिया जाता है ये स्विच ऑन के पोजीशन पे होती है। और ये फ्रिज में कार्य कैसे करती है, जैसे देखिए जब हम फ्रिज के दरवाजे को बंद करते हैं ना, दरवाजे का ये वाला जो पॉइंट है इसमें देख पाएंगे, ये पॉइंट इसको यहां पर दबा देता है और जब ये स्विच दबी रहती है तो ऑफ के पोजीशन पे होती है, जिसके कारण इसके अंदर लगा हुआ जो बल्ब है वो ऑफ रहता है और जैसे दरवाजे को खोलते हैं तो ये ऑन के पोजीशन पे हो जाती है। इस प्रकार से डोर स्विच कार्य करती है। इसके अंदर आपको दिखाते हैं, इसके अंदर जो होता है ये देख पाएंगे हमारी डोर स्विच है, डोर स्विच के ऊपर यहाँ पे वार्निंग लगी हुई है। ये जो डोर स्विच है ना, कुछ में कहीं और भी लगी हो सकती है और नीचे भी होती है, कुछ में यहाँ गेट पर भी डोर स्विच लगी हो सकती है। तो जो डोर स्विच का जगह है वो जरूरी नहीं है, लेकिन हाँ कहीं भी होगी, यहाँ से करीब ही होती है, एवापोरेटर के पास ही होती है। और ये फ्रिज का हमारी डोर स्विच, और इसको निकालना देखिए अगर इस तरह से बॉडी में लगी हुई है, इसके निकालने के लिए कोई भी स्क्रू वगैरह इसमें नहीं लगा होता है, बस आराम से इसको ऐसे देखिए इसके अंदर बाहर ऐसे खींचेंगे ना, ये लॉक पर लगाया गया होता है यहाँ पर और ये लॉक के ऊपर आधारित होता है यहां पर। इसको देखिए हम इस प्रकार से आसान तरीके से निकाल सकते हैं। ये हमारी डोर स्विच देखिए निकली और डोर स्विच के अंदर दो वायर निकले हुए हैं, तो एक वायर आप जानते हैं कि इसका फेस का आया होगा और दूसरा वायर जो है वो हमारा वो बल्ब के लिए गया होगा। तो यही दो पॉइंट होते हैं, यानी एक से इन दूसरे से आउट करवा सकते हैं। इसको अगर हम चाहें तो यहां से देखिए ऐसे ये थिंबल के ऊपर होता है, इसको हम निकाल भी सकते हैं, यानी इसका जो वायर होता है वो कहीं ज्वाइंट नहीं होता है, वो जोड़ा नहीं गया होता है, वो थिंबल पे होता है। ये देख पाएंगे इसका थिंबल है और इसी थिंबल में क्या करते हैं, एक एक को ये खोंच दिया गया होता है, इसी प्रकार से इसमें ये खोंच दिया जाता है। तो बस ये आसान तरीके से देखिए एक में लग गया और दूसरा भी हम इधर लगा देते हैं। तो इस प्रकार से हमारी डोर स्विच का यहां पर देख पाएंगे कनेक्शन होता है। कभी कभी क्या होता है, ये जो तार जोड़ा गया ना, ये जो तार खोसा गया है, इसके अंदर जंग वगैरह लग जाती है, ये कई दिनों से जब रखा रहता है तो काम नहीं करता है, इसकी वजह से भी हमारा जो फ्रिज के अंदर का बल्ब है वो नहीं जलता है। दूसरा पॉइंट क्या होता है, सबसे मेन तो हमारा ये होता है कभी कभी कि जब हम फ्रिज का दरवाजा बंद करते हैं तो ये जो गुटका वाला पॉइंट होता है ना, ये डोर स्विच की नोब को दबा नहीं पाता है, और अगर ये डोर स्विच की नोब नहीं दबेगी तो फ्रिज का दरवाजा बंद करने के बाद भी फ्रिज के अंदर का बल्ब जलेगा। तो ये जो अगर नोब नहीं दबा रहा है किसी कारण से अगर फ्रिज में, तो आपको फ्रिज का दरवाजा पहले चेक करना होगा, और उसको चेक करने के बाद भी अगर वो सही है तो, और ये अगर कट गया है, ये नहीं दब पा रहा है, तो इसके ऊपर आपको कोई गुटका वगैरह कुछ लगा के ऐसे चिपका देंगे, टेपेट कर देंगे ना, यानी कुल मिला के इसको इस प्रकार से बनाना है ये डोर स्विच की जो नोब है वो दबने लगे। अब देखिए डोर स्विच की जो फिटिंग है वो कैसे थी, इसके किनारे किनारे देख पाएंगे दोनों तरफ में ऐसे घाट बने होते हैं, और इसको देखिए इस प्रकार से लगा करके इसमें जब दबा देंगे तो ये देख पाएंगे इसी पर फिट बैठ जाएगा। तो इसी प्रकार से ये डोर स्विच लगी होती है, कुछ में बॉक्स के ऊपर भी लगी होती है, हम आपको दूसरी फ्रिज में भी अभी दिखा देंगे। तो देखिए ये कुछ में बॉक्स के ऊपर लगी होती है, इसमें इसी प्रकार से लगी है। अब हम बात करते हैं बल्ब की, तो जो इसका बल्ब होता है वो देख पाएंगे यहीं पे लगा होता है, लेकिन डोर स्विच का कनेक्शन बल्ब से संपर्क होता है। हम आपको बल्ब भी निकाल करके दिखाते हैं कि अगर किसी कारण से बल्ब आपको चेंज करना पड़ जाए तो कैसे चेंज कर सकते हैं। सबसे पहले देखिए ये एवापोरेटर के नीचे लगा जो चिलर ट्रे है, इसको हटाना होगा। को चीलर ट्रे को हटाने के बाद ये देख पाएंगे इस फ्रिज में तो कुछ इस प्रकार से है, सभी फ्रिजों में अलग अलग पॉइंट बने होते हैं। इसमें देखिए यहाँ नीचे ये लॉक का पॉइंट है, यहीं से अगर खींचा जाएगा तो ये निकलेगा, लेकिन इसको अगर हम ऊपर से भी ऐसे निकालेंगे तो ये निकल जाएगा आसान तरीके से, ऊपर से नीचे की साइड दबाएंगे तो भी ये निकल जाएगा आसान तरीके से। तो देखिए इसको भी हम इसी प्रकार से निकाल लेते हैं, देखिए हमने इसको निकाल दिया, ये इसका एक कवर था जो फ्रिज के बल्ब के ऊपर लगा हुआ था। अब इसी के अंदर देखेंगे तो फ्रिज का जो बल्ब है वो लगा हुआ होता है, देख पाएंगे वहां पर बल्ब है
इसका। और ये जो बल्ब है फ्रिज के अंदर प्रयोग किया जाने वाला, ये 8 से 12 वाट का होता है। और सभी फ्रिजों में का जो बल्ब होता है वो एक ही जैसा नहीं होता है, लेकिन हाँ वो बल्ब में जो तार निकलेंगे वो दो ही निकलेंगे, देख पाएंगे एक न्यूट्रल एक फेस का। और ये जो बल्ब है इसके अंदर, बल्ब के अंदर देख पाएंगे 5 छोटे छोटे बल्ब दिख रहे हैं। इसके अंदर जो किट वह है वो भी दिख रही है, लेकिन ये 5 जो दिख रहे हैं ना अब की जो फ्रिज आ रहे हैं उसमें ये 5 नहीं दिख रहे हैं। ये फ्रिज थोड़ी सी पुरानी है, थोड़ा सा पुराना बल्ब है तो इस प्रकार से इसमें लगा हुआ है। और अगर हम तारों के कलर की बात करें तो देखिए इसके अंदर एक ब्लैक और एक यहाँ पे ब्राउन कलर का आया हुआ है। तो अगर ये इस प्रकार से कलर आया हुआ है, और डोर स्विच का अगर हम तार को फिर से निकाल के दिखाएं तो देखेंगे इसके अंदर का एक तार जो है वो इससे मैच कर रहा है, यानी ये जो ब्लू वाला या ब्राउन वाला कलर है ये देखिए एक ही जैसा है। तो यानी कि यही वाला तार यहाँ तक गया हुआ है। तो इसमें इस प्रकार से डोर स्विच का जो होता है एक पॉइंट वो बल्ब में जुड़ा होता है, तभी क्या होता है कि जब हम डोर स्विच को ऑन ऑफ करते हैं तो ये जो हमारा बल्ब है वो ऑन ऑफ होता है। ये स्विच ऐसे कार्य करती है, जब तक इसको दबाए रखेंगे ऑफ के पोजीशन पे होगी, छोड़ देंगे ऑन के पोजीशन पे हो जाएगी, यानी कि सभी स्विचों की अपेक्षा ये उल्टा कार्य करती है। जैसे हमारे घर की लाइट होती है, जब हम उसको दबाते हैं तो वो जलती है, छोड़ देते हैं तो बंद हो जाती है ना, लेकिन अगर इस स्विच को उस लाइट में लगा दिया जाए तो वो लाइट 24 घंटे जलेगी, यानी हमेशा जलेगी, और जब उसको छोड़ देंगे तब जाकर के वो बंद हो जाएगी। तो कभी अगर इस बल्ब को चेंज करना पड़े तो हमें क्या करना होगा, सबसे पहले देखिए इसका ये जो कवर है, इसका ये जो बॉडी है, इसको हमें खोलना पड़ेगा। तो इसको खोलने के लिए हमें ज्यादा कोई स्क्रू की जरूरत नहीं खोलनी पड़ेगी, ये 2 स्क्रू है और इन दोनों को खोल करके और इसको हम आसान तरीके से इसमें लगा सकते हैं। एक स्क्रू देख पाएंगे इस साइड में है, हम इसको खोल करके आपको दिखा देते हैं। एक स्क्रू हमारा एक साइड में है, यहां पर देख पाएंगे, तो इसको हम खोल लेते हैं। और जो हमारा दूसरा स्क्रू है वो है दूसरी साइड में यहां पर, तो हम क्या करते हैं इसको भी खोल लेते हैं। तो स्क्रू को खोलने के बाद हम इसके आसान तरीके से इसके बल्ब को हम कैसे इसमें सेट कर सकते हैं वो भी हम आपको दिखा देंगे, इसका सारा कनेक्शन भी दिखा देंगे। तो यहां पर देख पाएंगे हमने दोनों स्क्रू को खोल दिया, अब हम क्या करते हैं इसको आसान तरीके से बाहर की साइड में खींच लेंगे तो ये बढ़िया तरीके से निकल भी जाएगा। देखिए इसके अंदर 2 ही स्क्रू थे और इन दोनों को हम क्या करते हैं इस प्रकार से निकाल लेते हैं। अब देखिए इस प्रकार से जब निकालेंगे तो इसके अंदर देख पाएंगे एक पॉइंट और है जो कनेक्ट है, वो होता है थर्मोस्टेट का पॉइंटर। इसके अंदर एक पॉइंट और था, वो था ये जो पॉइंटर है, ये क्या होता है थर्मोस्टेट की पूंछ को ऊपर कनेक्ट करने के लिए प्रयोग किया गया होता है। इसमें ये लगा होता है, ये यहीं पर एवापरेटर में ऐसे फिट किया गया होता है, यानी ये जो चारों पॉइंट है वो बैठ जाते हैं, इसकी वजह से ये निकलता नहीं है। अब देखिए हमारी जो बात है वो बल्ब का है, तो बल्ब इसके अंदर कहाँ पर लगता है वो हमें देखना था। इसका कनेक्शन पूरा देख पाएंगे, इसका जो कनेक्शन होता है वो देख पाएंगे कुछ इस प्रकार से इसके अंदर बना हुआ है घाट पर, और इसको हम यहाँ से निकाल लेंगे, इसके घाट को दबा करके इस प्रकार से इसका जो लॉक है उसको दबा के और ऐसे निकाल लेंगे। इसका जो पूरा कनेक्शन है ये देख पाएंगे यहीं पर था, तो इसको हम यहाँ से निकाल लेते हैं। अब हम इसको आपको बाहर दिखा देते हैं, अब इसको हम बाहर से दिखा देते हैं आपको कि इसके अंदर जो बल्ब था वो किस प्रकार से लगा हुआ था। तो देखिए ये हमारा बल्ब था, और ये बल्ब लगा कैसे था, इस बल्ब के दोनों पॉइंट पे देख पाएंगे ऐसे ये होल्डर की तरह बना हुआ था। तो इसमें क्या हुआ कि ये इसी के ऊपर ऐसे लगा हुआ था, ये जो इसी के ऊपर इस प्रकार से देख पाएंगे ऐसे अगर इसको हम लगाएंगे तो ये इसको सीधा करके हम इसके अंदर कर सकते हैं, और सीधा लगाने के बाद अगर इसको हम घुमा देंगे तो ये नीचे की साइड में गिरेगा नहीं। तो ये इसी के ऊपर ऐसे इस प्रकार से लग गया, तो ये बल्ब इस प्रकार से लगा हुआ था। और कनेक्शन की बात करें तो देख पाएंगे इसके अंदर 4 वायर हैं, 4 पिने हैं, इसके अंदर 2 थर्मोस्टेट के हैं और 2 हमारे यहाँ पर हैं बल्ब के, और इसी प्रकार से हम इसका कनेक्शन करते हैं। और कनेक्शन कुछ नहीं, इसके अंदर कनेक्शन तो हुआ, ये पिनों के ऊपर आधारित है, पिने जो बैठेंगी। अब हमें इसको लगाना होगा, जब उसमें जब हमारी फ्रिज में इसको लगाएंगे हम, तो ये जो कनेक्शन अगर हम सोचे कि उल्टा लग जाएगा कभी, तो ऐसी कोई बात नहीं है, ये कभी उल्टा लग ही नहीं सकता, ये हर हाल में जब भी लगेगा सीधा लगेगा, उल्टा नहीं होता है। तो इस प्रकार से हम बल्ब या फिर डोर स्विच को सही कर सकते हैं, किसी प्रकार की उसमें खराबी हो अगर हम उसको चेंज करना चाहते हैं तो बदल सकते हैं। जो कनेक्शन है इतना हम चेक कर सकते हैं, अगर इसके अलावा कनेक्शन में कोई और खराबी है तो अभी हम फ्रिज की और वायरिंग से संबंधित वीडियो आगे बनाएंगे, या फिर पीछे बहुत सारी वीडियो बन भी चुकी है कनेक्शन से संबंधित, तो फ्रिज की पूरी वायरिंग की वीडियो आपको देखनी होगी। तो यहां तक आपने वीडियो को देखा, अगर आपको किसी प्रकार का डाउट हुआ, सवाल या सुझाव है तो कमेंट करके बताइएगा। चैनल पर नए आए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत